कोचिंग पढ़ने जा रही नाबालिग का रास्ता रोककर की चिड़चाल, विरोध करने पर कर दी मारपीट। जी हम आपको बता दें कि 16 वर्षीय नाबालिग रागिनी लोधी परिवर्तित नाम अपने गांव से बौती कस्बे में कोचिंग पढ़ने जा रही थी, तभी आरोपी संजू शर्मा निवासी बौती ने नाबालिग छात्रा का रास्ता रोककर उससे छेड़छाड़ कर दी। वहीं छात्रा द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता और उसके भाई की मारपीट कर दी। नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के संबंध में एफआईआर हुई है, कोचिंग के लिए सूर्य जा रही थी। तो वो यहाँ से आरोपी जिसका नाम संजू शर्मा है, छेड़छाड़ की घटना करके उसके भाई के साथ मारपीट की, जिसको से अपराधी रद्द कर पुलिस नाम ले लिया। शीघ्र ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपराधी पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, और पहले भी इसी वजह से जब भी कायम की जाती है तब सख्त धाराओं में की जाती है। आज थाना बौती से हमें सूचित किया गया था कि एक नाबालिग लड़की जो छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज करा रही है, उस पर से मैं थाना पिछोर से थाना बौती में उपस्थित हुई। मैंने नाबालिग लड़की से पूछताछ की और उसने मुझे एक लिखित आवेदन दिया, जिसमें उसने बौती निवासी संजू शर्मा द्वारा छेड़छाड़ करना, रास्ता रोकना तथा मारपीट करने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया है, जिस पर से मैंने थाना भौती पर अपराध पंजीबद्ध किया है। 354 और 354 डी तथा पॉक्सो एक्ट के तहत मैंने अपराध पंजीबद्ध कराया है। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया है।